हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद द लास्ट वीडियो फ्रॉम द शिमला सीरीज। और हम सुबह सुबह होटल से ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए लोकल साइट करने के लिए शिमला। आज हम लोकल मार्केट ही एक्सप्लोर करेंगे, लास्ट डे ऑफ द शिमला ट्रिप। सो होटल से निकले, एक छोटा सा काट किया क्योंकि इतना चढ़ना उतरना बेबी को लेके पॉसिबल नहीं है। तो हम अभी म्यूनसिपल्टी ऑफिस से होते हुए मार्केट के अंदर घुस रहे हैं और यह है BSNL ऑफिस। इतना बड़ा BSNL ऑफिस तो हाल फिलहाल में कहाँ ऑपरेट होना, आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे जितने सब फायर गाड़ी वगैरह रहते हैं इनके सब नहीं एमरजेंसी। और ये एक पुराना बिल्डिंग है जहाँ पे बैंक वगैरह भी है और हिमाचल एम्पोरियम, जहाँ पे हिमाचली कॉटन या जो कपड़े रहते हैं वो सब मिलते हैं। और यहाँ से जो स्कैंडल पॉइंट की तरफ ये रूट जाता है। ये देखिए एक खूबसूरत सा बिल्डिंग, बहुत पुराना बिल्डिंग होगा, जस्ट BSNL ऑफिस के सामने। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लोकल साइट टूर इज इंडियन कॉफ़ी हाउस, जो कि फेमस है, बहुत पुराना है, एस्टैब्लिश 1957। तो चलिए अंदर। इंडियन कॉफ़ी हाउस की तो स्टील फ्लोर हमें फुल मिला, तो हम चल गए उसकी बेसमेंट के में जो फ्लोर है वहाँ पे चले गए, वहाँ पे बैठ के खाएंगे। तो उसका ये मेनू है, इतना बड़ा लंबा सा मेनू है, सारा रेट वगैरह यहाँ पर आराम से आप देख सकते हैं। और रिजनेबल ड्रेस कोड वगैरह है, वाइट कलर का विथ टोपी। सो एम्बियंस तो अच्छा है, काफ़ी सारे लोग ओल्ड एज पर्सन बैठ के आराम से चिल कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो चलिए एंजॉय करते हैं ये इंडियन कॉफ़ी हाउस की। ऑर्डर किया है सांभर बड़ा, आप खाओगे सांभर बड़ा? खाओगे? गोल्डन जुबली ईयर 1957 टिल ये इनॉग्रेट हुआ था 27th of October 1957। और एक गुड कट्सी है, आते ही पानी का ग्लास दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। हमने ऑर्डर किया था सांभर बड़ा और ये आ गया है एक प्लेट, इतना बड़ा है, बहुत बड़ा चटनी, टेस्ट अच्छा है बड़ा। और सांभर साउथ इंडियन में जैसे रहता है अच्छा रहता है, टेस्ट कैसा है? अच्छा है, चटनी भी बहुत अच्छा है, क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, एक लोगों का तो आराम से पेट फुल हो जाएगा। हम इधर से मार्केट से घूम के आ गए, अभी हम पहुंच गए हैं स्कैंडल पॉइंट और यहाँ पे बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं। यहाँ पे बैंक सारे भी हैं और आज धूप खिला हुआ है, तो जितने सारे बुजुर्ग लोग हैं सब लोग यहाँ पे धूप पे मज़ा लेके सब आराम से घूम रहे हैं। यहाँ पे यही है कि किसी भी एज का, एज ग्रुप का आप देख सकते हैं, सब लोग बैठ के चलते हुए इतना स्टीप चढ़ाई भी आराम से धीरे धीरे चलते हुए खाते पीते घूम रहे हैं। यहाँ पे सारे बैंक भरे पड़े हैं और ऐसे होते होते हम जो हॉल है जहाँ पे सारा होता है फंक्शन लाइक एक्ट, वहाँ पे पहुँच गए। अभी हम रिच की तरफ चलते हुए जा रहे हैं और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप हनुमान जी का टेंपल स्टैच्यू जो कि है जाको हिल पर, जहाँ पे हम होके आ गए हैं। ये शिमला के जहाँ पे भी आप हैं ये दिखता है, यहाँ पे रिच में से आपको पूरा शिमला का व्यू दिखेगा, फ्रंट व्यू, कितने स्टेप स्टेप होते हुए घर बने हुए हैं। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो आइस स्केटिंग वाला जो एरिया था वहाँ से आप डायरेक्ट पहुँच सकते हैं रिच पे, जो कि एक बन रहा है लिफ्ट किया हुआ है और सब लोग धूप का मज़ा ले रहे हैं और सारे चर्च वगैरह सारे क्लियर से दिख रहे हैं। थोड़ी थोड़ी हंडी ठंडी हवा चल रहा है थोड़ा सा, बट मज़ा आ रहा है घूमने के लिए आज। अभी हम लक्कड़ बाज़ार की तरफ जा रहे हैं कुछ सोविनियर लाने के लिए।
पीएमसी पे हम एप्पल जूस, दो जूस, एक है एप्पल जूस और एक है लीची, देखते हैं कैसा लगता है। हम लक्कड़ बाज़ार पे घूम रहे थे ऐसे ही, टू टेक वन मेमोरी ऑफ टोकन, एक सोविनियर की तरह कुछ ढूंढ रहे थे लक्कड़ बाज़ार में। बहुत खूबसूरत सी चीज़ें, बहुत बारीकियों से बनाए हुए चीज़ें भी वहाँ पे मिल रहे थे, तो हमें तो बड़ा चीज़ कुछ लाना नहीं था, तो हम एक शॉप पे गए जहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे की स्टैंड थे। तो हमने एक की स्टैंड लिया जो कि इस तरह का से था, जो दो लकड़ी का बना हुआ है, और काफ़ी अच्छा दुकान है, बहुत सारे दुकान है। कभी भी आप जाए तो लक्कड़ बाज़ार से आप कुछ भी ले सकते हैं एज ए टोकन ऑफ मेमोरी। ये डीएवी पब्लिक स्कूल शिमला, जो कि एस्टेब्लिश हुआ 1934 पे, यहाँ पे अनुपम खेर पढ़ के गए हैं। नीचे है ग्रीन कलर का आप जो देख रहे हैं सीट, वो है डीएवी स्कूल। जो गांधी जी का स्टेचू है उसी के बगल में ही द स्टेट लाइब्रेरी चिल्ड्रेन एंड मेन सेक्शन शिमला की। और आज धूप खिला हुआ है तो कितने लोग घूम रहे देख सकते हैं। जिस क्राइस्ट चर्च के बगल पे ही ये स्टेट म्यूजियम है और मेन व्यू पॉइंट भी ऊपर ही है। वहाँ पे साई साहब अपनी माँ घूम रहे हैं मस्ती से। लोअर बाजार ऑफ शिमला, ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, पुराना वाला इलाका है ये, काफ़ी दुकानें बहुत पुरानी। आज हम सारे वहाँ के फेमस चीज़ें ट्राई करने वाले थे, तो हम चल गए नंदूराम लालचंद दास स्वीट शॉप पे, जिसपे हमने ट्राई किया दूध जलेबी, बहुत गर्म था तो अच्छा लगा। गर्म दूध में जलेबी को डाल के वो देते हैं, तो आगे बने रहिए, बहुत सारे छोटे मोटे जो फेमस चीज़ें हैं वो सब हम कवर करने की कोशिश किए हैं। इस पर भी अच्छा था खाने में, तो अच्छा था। जैसे कि नंदूराम यहाँ पे हमने ट्राई किया दूध जलेबी, इतने बड़े कढ़ाई पे दूध पकड़ा है और वहाँ पे दूध जलेबी हो रहा है। मॉल रोड का लाइट, आओ घूमो, बगल पे सीट लगा हुआ है, शांति से बैठो और अगर धूप है तो धूप का मजा लो, शाम होते ही ठंड शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं कि जितने लोग हैं सब अपने अपने काम में सूट बूट होके मस्त से घूम रहे हैं। इसके आप सारे एज ग्रुप के लोग मिलेंगे आपको, बच्चे, बूढ़े, ओल्ड लेडी, यंग लेडी, सब कुछ। और किसी को भी आप ऐसे नॉर्मल लुक पे नहीं देखोगे या चप्पल पे नहीं देखोगे, सारे शूज पे बैठे हुए हैं, सारे शूज पहन के शांति से घूम रहे हैं। घूम घाम के आए, अभी बैठे हुए हैं धूप से, शांति अरे उठ गई सहायता, उठ गई, वो डेढ़ घंटा सोई हुई है, अभी फिर से सो गई, शांति से सोई हुई है। ये रेस्टोरेंट है गेंडामल हेमराज, यह है 1873 से है, पता नहीं उस समय कौन खा रहा था, अंग्रेजी खा रहे होंगे और कौन खा रहा हो। अभी इसका नाम हो गया कैफे 1873, ईयर पे जो ईयर है उसी का नाम दे दिया कैफे 1873। ऊपर का फ्लोर है, नीचे चिप्स और वगैरह, ये उसका एंट्रांस है शायद। शिमला में ऐसे बहुत सारे पुराने पुराने शॉप है, आधे तो हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे क्योंकि कहाँ पर है पता ही नहीं चल पा रहा है।
पॉपुलर बाजार मॉल रोड लक्कड़ बाजार राम बाजार जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करो खाओ पियो। रोड की एंड में हम आए हैं कृष्णा बेकरी जहाँ पे सुशील आ रही है यहाँ का और एक फेमस चीज कुरकेजा देखते हैं वो खाते हैं देखते हैं कैसा लगता है। आ गया कुरकेजा देखते हैं खा के कैसा लगता है। बेकरी से हमने कुरकेजा खाया तो अच्छा था बाकी केक वगैरह और बिस्किट्स कुकीज सारे मिलते हैं यहाँ पर अच्छा था टेस्ट। साइड में चाय कभी तपरी फूड एक्सप्लोर पे आ चुके हैं अम्बासी आइसक्रीम यहाँ पे बहुत सारा आइसक्रीम स्मूदी और बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं देखते हैं उसे क्या एक्सप्लोर करके रखिए क्योंकि यही सब कुछ नोट डाउन करके रखिए। यहाँ से शिमला का व्यू और एक दिखता है। हम अभी एम्बेसी आइसक्रीम जो पॉइंट है वहाँ पे हैं और यहाँ से पूरा रिच क्राइस्ट चर्च और ये मस्जिद या गुरुद्वारा पता नहीं सारा रिच यहीं पे दिख रहा है एक अलग सा व्यू है। इस तरफ नहीं आए थे अभी आए तो इस तरफ का भी व्यू बहुत खूबसूरत है बट स्टेप टू स्टेप सारे बिल्डिंग ही भरे पड़े हैं पूरा पहाड़ों में। लिखा है केविन ग्रोव 1850 कोई ग्रेट होगा उस समय का अंग्रेजों के टाइम का। और ये है सारा केक वगैरह यहाँ पे लिखा है शिमलास ओल्डेस्ट बेकरी 1 मिलियन ऑन यूट्यूब हुआ बहुत बड़ी ये सारा आइटम है यहाँ का। कुछ तो लेके जाएंगे रम केक एंड ये है एम्बेसी बेकरी का अंदर का व्यू बहुत खूबसूरत है पूरा वुडन काम हुआ। काफी खूबसूरत है सर ये सारे कोटेशन जो लिखे गए हैं ये कुछ है या आइटम के नाम है आइटम्स के नाम टोटल आपके पास कितने आइटम हो गए केक्स का वैरायटी है खाना है अच्छा है मेन्यू बड़ा एक्साइटिंग सा मेन्यू है वैसा नहीं है जैसे आम जगह होता है नॉर्मल मेन्यू इज नॉट देयर। हमारा सब चेकलिस्ट है तो हम वो सब टिक कर रहे हैं ये भी हमारे लिस्ट में था कि एम्बेसी जाना है तो हम उधर से ढूंढ ढूंढ के आए देन वी विल फाइंड एट द एंड। ये एक तरफ का एंड है ना मोर लेस या शॉप्स खत्म हो जाती है। हाँ इधर भी बैठने के लिए एक है ओके थैंक यू सर। हमने यहाँ से लिया एप्पल पाई केक जो कि हम पहले कभी ट्राई नहीं किए थे तो ये फेमस है बेकरी आइटम के लिए तो हमने यहाँ से एप्पल पाई लिया और रात में होटल में मस्त खाए अच्छा था बट कॉस्टली बहुत जो कि एंड ऑफ द मॉल रोड है यहाँ से आप लिफ्ट पकड़ सकते हैं यहाँ पे चीज का बहुत ख्याल रखा जाता है साफ सुथरे का और पॉलीथिन यूजेस जीरो पेपर बैग सारे पे यूज करते हैं थोड़ा सा पेपर गिरे तो ये लोग आके साफ कर लेते हैं और साइड में कूड़ादाना भी है बहुत जगह पे अच्छा चीज़ है। पूरे मॉल रोड पर ऐसे हट्स बहुत सारे जगह पे बनाया गया ताकि लोग बैठें और आराम से रेस्ट करें सब लोग चलते चलते ही जाना पड़ेगा और ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर जाओ। मॉल रोड पे एक वॉशरूम भी है जहाँ पे ये लक्ष्मी बाई का मूर्ति बनाया हुआ है उसी के बगल पे ही ये वॉशरूम है उसके सामने ये गुब्बारे वाला वाटर पार्क ये भी अच्छा दिखता है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए भी
और झूला फूला बना है और बेंच भी सारे लगे हैं ताकि लोग आके यहाँ पर शांति से बैठें और घूम फिर के वाशरूम का यूज करते हुए जाए। अच्छा जगह है ये, जो स्ट्राइस्टर से नीचे आप उतरेंगे तो ये आता है। ये लास्ट टाइम देख लेते हैं शिमला का व्यू ताकि सनसेट हो जाएगा अभी और नहीं दिखेगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम जब तक आए तब तक के लिए इस ब्यूटीफुल व्यू को देखने के लिए आएंगे फिर से। तब तक के लिए बाय बाय। म्युनिसिपैलिटी ऑफिस है उसका, ये कितना खूबसूरत दिख रहा है इवनिंग में, पूरा फोटोजेनिक व्यू। शिमला के पोस्ट ऑफिस जो कि बहुत पुराना है और ये फर्स्ट पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे कि अंग्रेजों के टाइम से टेलीग्राम किया जाता था। तो देख सकते हैं कितना पुराना बिल्डिंग है, अभी भी रनिंग कंडीशन में है और इसका जो पिन कोड देखिए 171001, सो दिस इज द ओल्डेस्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया। अभी भी ये पोस्ट बॉक्स है, एग्जिस्ट है। इवनिंग का व्यू जो कि जो हॉल है उसी के बगल पे ये एक हिमाचली कल्चर का पोर्ट्रेट बनाया गया है, बड़ी खूबसूरत सपोर्ट है। मैं शर्मा चाट शॉप जो कि है 1937 से छोले भटूरे एंड आलू टिक्की, आके देखते हैं कैसा लगता है। ये बना रहे हैं भटूरे और ये है चाट। 1937 में किसने काम किया? हमने यहाँ पे ट्राई किया छोले भटूरे, अच्छा लगा, अच्छा था। तो हम यहाँ पे छोले भटूरे खा के उसके बाद उसी के जस्ट नीचे में एक स्वीट शॉप है जिसका नाम है विजय स्वीट्स, यहाँ पे एक स्पेशल टी मिलता है। तो शाम का वक्त था तो हमने वहाँ पे ट्राई किया एक स्पेशल टी जो कि आप अभी देख सकते हैं आने वाला है, और पिए हम दोनों, अच्छा लगा। चाय पी के थोड़ा फ्रेश अप होके हमारा लास्ट पॉइंट था द फेमस त्रिशूल बेकरी। शिमला में कोई आता है तो त्रिशूल बेकरी उसके चेकलिस्ट पे रहता ही है। यहाँ पे बहुत सारे केक वगैरह थे जो कि फेमस है, बट हमारे लिस्ट पे हम दो चीज़ें ऐड किए थे जो कि था स्पूनी और जापनीज, तो ये दो चीज़ें हम लेके गए और ये 1959 से है। बट एक चीज़ है कि यहाँ पे ओनली कैश ट्रांजेक्शन होता है, थोड़ा अगर ये लोग डिजिटल में जाते हैं तो बाकी जितने टूरिस्ट हैं उनके लिए थोड़ा सहूलियत। केक वगैरह लेके हम होटल पे आ गए और यह है वो फेमस एम्बेसी बेकरी का एप्पल पाई केक, और यह है वो स्पूनी और जापनीज जो कि हम त्रिशूल बेकरी से लाए थे। रात में हमने होटल में मस्त मिलके हम सब लोग खाए। इसी तरीके से हमारा ये शिमला सीरीज की लास्ट डे अच्छे से हमने स्पेंड किया टाउन पे ही, शिमला टाउन पे ही। तो इस तरीके से मेरा ये लास्ट वीडियो ऑफ शिमला सीरीज ख़त्म होता है। होप आप सभी को ये पसंद आ रहा होगा। मैं बहुत लेट पे ये वीडियो एडिट करके अपलोड कर रहा हूँ ड्यू टू टाइम एंड ऑल, ऑफिस से टाइम मिलता है तो एडिट करके डालता हूँ। जैसे कि मैं हर वक्त बताता हूँ कि मैं ये सब वीडियो क्यों बनाता हूँ, क्योंकि जो हमने ट्रिप साथ में एंजॉय किया है उसको मैं एक वेल फॉर्मेट पे एक वेब पे रख सकूं ताकि मैं बाद में इस ब्यूटीफुल मोमेंट्स और ब्यूटीफुल जगह को चेरिश कर सकूं विथ माय फैमिली एंड ऑल। तो इस तरीके से मैं ये छोटे छोटे वीडियो एज ए मेमोरी, एज ए टोकन ऑफ मेमोरी मैं
अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। होप आप सभी को ये पसंद आ रहा होगा। अगर आप इसको पसंद करते हैं देन गिव अ लव सपोर्ट एंड कमेंट्स ऑन माय वीडियो। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम कि आप इस वीडियो को देखें और अपना प्यार दिया। तो थैंक यू ऑल फॉर योर लव सपोर्ट एंड अफेक्शन एंड प्लीज कमेंट्स, आपको कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ बुरा लग रहा है, कुछ सजेशन देना है देन आई एम ऑलवेज वेटिंग फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम एंड ऐसे ही आगे जहाँ पे भी मैं जाऊँगा, जो भी ट्रिप पे जाऊँगा उसको एज ए मेमोरी मैं उसको एडिट करके अपनी चैनल में डालूँगा। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। जय जगन्नाथ।